हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी बज रही है सुबह की 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैं आज थोड़ा बहुत योगा और प्राणायाम ही करूँगी, वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा हाथ में दर्द है। इसलिए आज तीसरा दिन है जब मैं वर्कआउट स्किप कर रही हूँ और अभी मैं योगा वगैरह करके मिलती हूँ। अभी मैं हो गई हूँ नहा कर एकदम रेडी और अभी जाने वाली थी मैं शॉप पे, तो मैंने सोचा कि नहीं आज शॉप पे थोड़ा सा लेट जाऊँगी, पर जो काम है खाना वाना सब कंप्लीट करके जाऊँगी। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और खाने में आज बन रहा है पनीर रोल। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। यहाँ पर बन चुके हैं मेरे पनीर रोल और चिकू खा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए। अब उनके मुंह से भी सुनते हैं कैसे बनाए। बहुत टेस्टी, मस्त, मज़ा आ गया। तो मैं ये खा के फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैं शॉप पे थोड़ा सा अभी लेट जा रही हूँ, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा, 2 बज रही है और अभी मैं जाऊँगी। थोड़ा काम क्या हो रहा है वही देख के आऊँगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत है वो सही नहीं है, इसलिए हाथ ही दर्द हो रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी हो गई हूँ तो अभी जा रही हूँ शॉप पे जाके आपको बताती हूँ वो शॉप पे क्या क्या चल रहा है और मुझे भी थोड़ा सा काम है तो कर लूँगी। मैं जाने वाली थी शॉप पे और फिर डिसाइड हुआ कि हमको जाना है उदयपुर और हमको अर्जेंट पार्सल लेने जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे ऑर्डर आए मिशेल वगैरह के। मिशेल का भी पार्सल आया हुआ है और पेरेंट्स का भी आया हुआ है और एक कुछ अच्छी चीज़ और मंगवाई थी वो भी आ गई है, तो सारा पार्सल एक साथ ही ले आएंगे। स्टूडियो के लिए कुछ मंगवाया था वो भी आ गया है, तो आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। तो चलिए उदयपुर। बादल इतने सुंदर दिख रहे हैं। उदयपुर हम आ चुके हैं, अभी हम आ गए हैं पार्सल लेने के लिए और चिकू गए हैं सब पता करने कहाँ पर है। पहले गए थे 3 से 4 जगह पे भटके, तब के जाके पता चला कि इस जगह पर आया है क्योंकि सेम है एजेंसी का नाम, इसलिए तो चले पता कर रहे हैं वहाँ पे। बस जल्दी से मिल जाए क्योंकि 4 बजने ही वाली है अब, और जैसे ही 4 बज जाएगी तो लॉकडाउन हो जाएगा, इसलिए पार्सल ले लिया है और अब जा रहे हैं दीदी के घर पे। और क्या ट्रैफिक है गजब का, अभी तो खाली हो गया, अभी खाली हो गया अभी तो खाली हो गया। इतना ट्रैफिक है। अभी हम दीदी के घर पे जा रहे हैं और हमने दीदी को कॉल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, यानी एक तरह से सरप्राइज ही देंगे। अलग दिख रहा अभी एकदम ओ, अब इतने नाटक नहीं करना पड़ता। ये रुमाली खींच रहा है। अब आपको थोड़ी सी क्वालिटी अलग लग रही होगी क्योंकि मैंने मेरा लेंस है वो चेंज कर दिया है कैमरे का। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो चलिए अभी बज रही हैं 6:30 और जल्दी काम ख़त्म हो गया इसलिए निकल रहे हैं। मेन रोड बंद है लॉकडाउन होने की वजह से, इसलिए हम गली में से होंगे निकल जाएंगे। ये यहाँ पर है सरस की फैक्ट्री, ये शबरी पार्लर अभी आएगा। हम यहाँ पर स्मूथी पीते थे, बहुत एंजॉय करते थे, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। चालू है। हम घर पे आ चुके हैं तो अब चलेंगे।
अभी हम जा रहे हैं हमारी एसी को लेके शॉप पर, वहीं पर जाके अनबॉक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारी न्यू न्यू एसी। ये हमारी आ गई है पोर्टेबल एसी। हमको जो चीज़ चाहिए थी वो हमको परफेक्ट मिल गई है, क्योंकि स्टूडियो में इतनी गर्मी लगती थी आप लोगों के लिए जब मैं वीडियो बनाती थी तब, बहुत ज़्यादा। तो पति है आखिर, केयर तो करेंगे ही। मंगवा दी एसी, वो भी पोर्टेबल, घूमती फिरती। ये रहा हमारा मिशेल का स्टॉक जो अभी हेवी डिमांड में चल रहा है। कुछ पार्सल तो हमने आज लगा दिए हैं, जो हमको इंटरनेशनल डिस्पैच करने थे वो आज हमने कर दिए। और ये वास्तविक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हमने दीदी के यहाँ पर एक बार अनबॉक्स कर दिया था, जो चीज़ें हैं प्रॉपर मंगवाई थी वो है या नहीं, तो ये वापस अंदर फिट नहीं हुआ तो ये बाहर ही है। अभी यहाँ पर इसको वापस पूरा खोल रहे हैं, असेंबल करेंगे। छोटी सी क्यूट सी एसी अब बाहर निकलेगी। वाओ, एक बार इसको यहीं पे अच्छे से पूरा कंप्लीट सेट कर देते हैं और पीछे जाके फिर लगाना ही रहेगा। ये पूरा पाइप इससे अटैच हो गया है, इसी के अंदर कंप्रेसर का पाइप भी लग गया है, जिसमें से इसमें से पानी निकलेगा। हमारी एसी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम इसको इसके घर पे ले जा रहे हैं, स्टूडियो में ले जा रहे हैं। ये आ गई हमारी क्यूट लिटिल एसी। अरे कूलिंग कुछ चालू हो गया, कंप्रेसर आ रही है ना कूलिंग। अभी लास्ट वीडियो शूट करी थी तो सारा एज इट इज यहीं पे, थक गई थी और लेट भी बहुत हो गई थी तो एज इट इज छोड़ के चली गई थी। तो अभी आई हूँ और थोड़ी फ्री हूँ तो ये सारा मैनेज कर लेती हूँ। तब तक एसी की भी टेस्टिंग हो जाएगी। हाँ, एसी की भी टेस्टिंग हो जाएगी। कूलिंग कैसे दे रहा है? अपन कितनी गर्मी में वीडियो बनाते थे ना, मैं तो ना लेता था, तुझे ना लेते थे, इसलिए एसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। वो तुम्हारा तो टी शर्ट भी अच्छे से उड़ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। नॉर्मल एसी की अभी हुई है नहीं, उससे कम है, उससे भी कम है, उससे कम। अच्छा, अब यूज करेंगे कंफर्म तब पता चलेगा उसका पूरा, फिर बताएंगे। हाँ, एसी हमने अच्छे से सेट कर दी है और अभी देख लिया है एसी जितनी देर चलाई उतनी देर में तो उसकी कूलिंग बहुत अच्छी थी। इसके ऊपर आपके पास आएगा एक प्रॉपर रिव्यू, तो वो आप देख के चाहो तो ये एसी खरीद सकते हो और अच्छी है अभी तक तो। नेक्स्ट और देखेंगे, जैसे जैसे यूज़ करेंगे कुछ कमी पेशियाँ होगी वो भी आपको बताएंगे। तो अब मैं चलती हूँ घर पर, और घर पर जाके खाना खाएंगे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शूट की तैयारी कर रही हूँ। नेक्स्ट किस पे आ रहा है मेकअप, बताओगे ब्लॉग में? नो। क्यों? कुछ अच्छा अच्छा बना रही हो ना आप लोगों के लिए, इसलिए। अभी क्या कर रही हो ये? अभी वो अभी पोशाक पे वीडियो बनाई थी ना, तो सारे चूड़े इधर उधर हो गए थोड़े से। जमा रहे हो? ये रहे मेरे सुंदर सुंदर चूड़े, आई लव। मुझे चूड़ियाँ नहीं पसंद है, पता है आपको? नहीं नहीं पता था। नहीं पता था? मगर चूड़िया नहीं अच्छी लगता, मुझे चूड़े ही अच्छे लगते हैं, ये रजवाड़ी जो पैटर्न के होते हैं ना। रिसेंटली अभी मेरा फेवरेट ये, पहले ये वाला फेवरेट था। और इससे पहले? इससे पहले मेरा ये वाला फेवरेट था। कौन सा वाला? ये पिच कलर वाला। ये वाला? ये आपको भी बहुत अच्छा लगता था पहले? और ये वाइट वाला तो मुझे ऑल टाइम अच्छा लगता है, मैं सबके साथ मिक्स एंड मैच करके पहनती रहती हूँ। और ये ऑरेंज वाला भी अच्छा लगता है, ये बता वेडिंग के टाइम का है, ये मैं रेगुलर वेयर करती थी मैं वेडिंग के टाइम पे। कौन सा? ये वाला, ये और वाइट मिक्स था, तो ये शादी के बाद मैं रेगुलर वेयर करती थी, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ। लगभग एक साल तक तो पहना था इसको रेगुलर। अच्छा है ना, मैं को भी अच्छा लग रहा है। जैसे ही शॉप से आई वैसे ही खाना खाया, और इतनी सुस्ती चढ़ रही थी कि नींद आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग का एंड कर दूं। और साथ ही ये भी बता दूं कि अब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन लेने के बाद, सिर्फ हल्का सा पेन है, हाथों में दर्द है,
वो भी जिस हाथ पे वैक्सीन लगी थी वो एक दो दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, हल्का हल्का रहेगा वो खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे। और इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।